बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर अभी अभी न्यू सूचना जारी कर दिया गया है। होली से पहले इंटर का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने एक नया सूचना जारी कर दिया है फिर से। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यानी बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 फरवरी माह में संपन्न करवा लिया गया था। ठीक है, अब सभी परीक्षार्थी के मन में एक ही सवाल चल रहा है। यहां पर बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब घोषित करेगी। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं कि रिजल्ट आप लोगों का कब और कितने तारीख को जारी होगा। दोस्तों, आगे के इंफॉर्मेशन शुरू करो, चैनल पर न्यूज रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे इस वेबसाइट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, bcceexam.com को। ठीक है, इस वेबसाइट पर सभी जानकारी डाली जाती है एक साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का ऑफिशियल आंसर की बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक नहीं किए तो जरूर चेक कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बिहार बोर्ड से जुड़ी टेलीग्राम ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन डाला जाता है। आपको यह भी बताते चले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सभी परीक्षकों को आदेश दिया गया था कि, और साथ ही साथ जिलाधिकारियों के आदेश दिए गए थे कि 8 मार्च तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न करा लेना है। यह आदेश बिहार बोर्ड की ओर से सभी कॉपी मूल्यांकन केंद्रों को दिया गया था, पर जिस केंद्रों पर 8 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न नहीं होगा, उस कॉपी का पटना में ले लाकर कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। परंतु ऐसा लग रहा है कि अधिकांश केंद्रों पर इंटरमीडिएट का कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से चालू है। जी हाँ, जिसमें सभी केंद्रों पर बिहार बोर्ड की ओर से आदेश दिया गया था कि इस बार सभी विद्यार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन स्टेप वाइज मार्किंग दिया जाएगा। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत ज़्यादा मैट्रिक एवं इंटर रिजल्ट से संबंधित एक न्यूज वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं इंटर के फाइनल रिजल्ट होली से पहले जारी करने जा रही है। आपको बता दें कि न्यूज बिल्कुल गलत है। अभी तक बिहार बोर्ड की ओर से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, होली के पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह जारी किया गया था कि मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। ठीक है, जिसमें यह भी बोला गया था कि इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 24 से 26 मार्च के बीच जारी किया जाएगा और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 27 से 30 मार्च के बीच जारी किया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बता दूं मैं कि हमारे चैनल पर सभी जानकारी इंफॉर्मेशन जो है प्रूफ के साथ दिया जाता है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन जो है लाइव प्रूफ भी बताया जाता है। तो आप लोग जो है फेक न्यूज से बच के रहें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा मैट्रिक और इंटर के छात्रों का, इंटरमीडिएट के छात्रों का 24 से 26 मार्च के बीच जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और मैट्रिक के छात्रों का 30 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लिखाएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो कैसी रही नीचे मैसेज करके जरूर बताइएगा, और यदि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे तो भी मैसेज आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।